कोरोलुस उस्मान में मशहूर लड़ाइयां दिखाई गई, मशहूर किले फतह किए गए। लेकिन ड्रामा देखने वालों को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था तो वो था अर्तुरुल गाजी की एंट्री। पहला सीजन गुजर गया लेकिन अर्तुरुल गाजी नहीं आया। फिर दूसरे सीजन में अर्तुरुल गाजी की एंट्री ने ड्रामे में एक नया थ्रिल पैदा किया, लेकिन वैसा थ्रिल फिर भी देखने को नहीं मिला जो अर्तुरुल गाजी के असली किरदार की एंट्री से मुमकिन बनाया जा सकता था। अब इस सीरीज के दो सीजन्स मुकम्मल हो चुके हैं और तीसरे सीजन का ट्रेलर भी आ चुका है, लेकिन हमेशा की तरह एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि तीसरे सीजन में तुर्गुत की एंट्री होगी या नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि क्या अर्तुरुल गाजी की तरह तुर्गुत भी एक नए किरदार में नजर आएगा, या फिर वही तुर्गुत होगा जिसने दरलीस अर्तुरुल में अपनी जानदार एक्टिंग से सबकी तवज्जा अपनी जानिब खींची थी। और इसी वजह से आज कोरोलुस उस्मान में सबसे ज्यादा डिमांड तुर्गुत की ही की जा रही है। नाजरीन, ये ड्रामा जितना भी मकबूल बन जाए, लेकिन इस ड्रामे में एक खामी इसके तमाम खूबियों पर हावी हो सकती है, और वो ये कि अगर इस ड्रामे में तुर्गुत को नहीं दिखाया जाता, क्योंकि तुर्गुत सल्तनत उस्मानिया के कयाम का एक अहम किरदार रहा है जिनकी बहादुरी और फतूहात के बगैर शायद उस अजीम सल्तनत का कयाम मुमकिन ना होता। तो अगर कोरोलुस उस्मान के तीसरे सीजन में भी तुर्गुत की एंट्री नहीं होती तो तब इस सीरीज की मकबूलियत को एक जोरदार झटका लगने वाला है, क्योंकि पिछले सीजन की तरह इस बार कोरोलुस उस्मान इस प्लेटफॉर्म पर अकेला नहीं, बल्कि इसके मुकाबले में ऐसी सीरीज हैं जिनसे हाई रेटिंग हासिल करने के लिए कोरोलुस उस्मान में कई बड़ी तब्दीलियों की जरूरत है, जैसे तुर्गुत की एंट्री। कोरोलुस उस्मान के मुकाबले में बारबरोस, तश्कीलात का दूसरा सीजन, अजीम सलजोक का दूसरा सीजन जैसी कई सीरीज मैदान में है और जो एक से बढ़कर एक शाहकार साबित हो रही हैं। तो ऐसे में कोरोलुस उस्मान के लिए ये लाजमी हो चुका है कि वो तुर्गुत की एंट्री से इस सीरीज को टॉप पर लाएं, वरना इस सीरीज की रेटिंग गिर सकती है। तो अब सवाल ये है कि क्या तुर्गुत सीजन 3 में भी नजर आने वाला है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले कुछ पहलुओं पर नजर डालनी होगी, जिसके बाद हमें मालूम हो सकेगा कि तुर्गुत वापस आएगा या नहीं, और वो कौन होगा जो कोरोलुस उस्मान के तीसरे सीजन में तुर्गुत का किरदार अदा करेगा। नाज़रीन कराम, कोरोलुस उस्मान के तीसरे सीजन में सबसे अहम मौजू एनागोल किले की फतह है, जिसकी फतह को सीजन 2 में अधूरा छोड़ दिया गया था। तारीखी किताबों में इस किले का जिक्र जब भी मिलता है तो इसकी फतह में सबसे अहम किरदार तुर्गुत आल्प का सामने आता है, क्योंकि जिस बहादुरी और दानिशमंदी से तुर्गुत आल्प ने उस किले की फतह में अहम किरदार अदा किया, तो शायद उस किले की फतह उसके बगैर मुमकिन ना होती। और वैसे भी इस सीरीज में बामसी बे की शहादत के बाद उस्मान गाजी को एक ऐसे किरदार की जरूरत है जो तजुर्बाकार होने के साथ साथ दुश्मनों की तमाम चालों को शुरू से जानता हो, और तुर्गुत आल्प के अलावा ये कोई नहीं हो सकता जो तारीखी औराक के मुताबिक उस्मान गाजी के साथ साथ उनके बेटे औरहान गाजी के साथ भी कई जंगों में शरीक हुआ था, और अल्लाह ने उनको 126 साल तवील उम्र अता की थी, जिस उम्र का इख्तिताम जंग के मैदान में ही दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते शहादत के मनसब को हासिल करके हुआ, जब लोगों ने उस अजीम मुजाहिद की एक आखिरी बार बहादुरी की वो मिसाल देगी जो तारीख में अमर हो गई, और जो शहादत के वक्त भी अपनी मशहूर कुल्हाड़ी को मजबूती से तामे हुए था। दोस्तों, हाल ही में कोरोलुस उस्मान का पहला प्रोमो रिलीज हो चुका है, जिसमें एक नए जज्बे और नए महाजों को दिखाया गया, साथ साथ उस्मान गाजी के किरदार में भी काफी तब्दीली देखने को मिली कि उस्मान गाजी अब एक प्रोफेशनल सरदार के रूप में नजर आने वाले हैं, जिनके आगे एक अजीम सल्तनत का कयाम और उस अजीम सल्तनत के कयाम तक पहुंचने की अजीम जद्दोजहद मौजूद है। लेकिन इस प्रोमो की सबसे खास बात जिसने शायकीन को उछलने पर मजबूर कर दिया वो एक आवाज थी जिसमें तुर्गुत का नाम पुकारा गया। ये सीन देखकर देखने वाले जरूर हैरान भी हुए होंगे और खुश भी। हैरान इसलिए कि शायद उन्हें तुर्गुत की वापसी का यकीन नहीं था, और खुश इसलिए कि वो अब तुर्गुत को इस नए सीजन में देखने वाले हैं।
लेकिन अब सवाल ये है कि कब और कौन सी किस्त में तुर्गुत की एंट्री होने जा रही है। तो इस हवाले से अब तक कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कि कुरुलुस उस्मान के इस नए प्रोमो में तुर्गुत आल्प की एंट्री के बारे में मस्बत खबरें सुनने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं कि अगर इस नए सीजन में तुर्गुत की एंट्री होने वाली है तो कुरुलुस उस्मान में तुर्गुत आल्प कौन होगा। क्या हम देरिलिस अर्तुरुल में तुर्गुत का किरदार अदा करने वाले अदाकार चेंगेज कोस्कोन को ही इस नए सीरीज में देखने वाले हैं, या अर्तुरुल की तरह इनका किरदार भी किसी और अदाकार से कराया जाएगा। तो इस हवाले से चेंगेज कोस्कोन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, क्योंकि चेंगेज कोस्कोन इस वक्त अपनी नई सीरीज सुल्तान यवूज सलीम की शूटिंग में मसरूफ हैं, जिस पर जनवरी 2021 में ही काम शुरू होना था, लेकिन कोरोना की वजह से उस सीरीज की शूटिंग मुलतवी कर दी गई और अब एक बार फिर सुल्तान यवूज सलीम की शूटिंग का आगाज हो चुका है। इसलिए ड्रामे के बारे में राय देने वाले अफराद का कहना है कि अगर कुरुलुस उस्मान के इस नए सीजन में तुर्गुत आल्प की एंट्री हो भी जाती है तो फिर भी इस किरदार को चेंगेज कोस्कोन की जगह कोई और अदा करेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें तुर्गुत आल्प नामी कोई और कैरेक्टर ऐड किया गया हो जो वो तुर्गुत आल्प ही ना हो जिसका इंतजार नाजरीन कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान और तुर्की ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फतुहात पर एक सीरीज बनाने का ऐलान भी किया है, जिसके बाद भी एक बहस शुरू हो गई कि इस नई सीरीज में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का किरदार कौन सा अदाकार अदा करेगा। कोई इस किरदार को किसी तुर्किश अदाकार से कराने का हामी है तो कोई इस किरदार को किसी पाकिस्तानी अदाकार से कराने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन इस सीरीज को प्रोड्यूस करने वाले अफराद का कहना है कि इस सीरीज के पहले सीजन की शूटिंग मुकम्मल तौर पर तुर्की में की जाएगी, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की दोनों ममालिक के अदाकार नजर आएंगे। इसके अलावा बड़ी खबर ये भी है कि इस सीरीज को उर्दू और तुर्किश दोनों जुबानों में रिलीज किया जाएगा और इस सीरीज का मरकजी किरदार यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का किरदार किसको मिलेगा ये अभी तक कन्फर्म नहीं हो सका, लेकिन इतना ज़रूर मालूम हुआ है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ये किरदार किसी तुर्क अदाकार को ही दिया जाएगा, जिसमें देरिलिस अर्तुरुल में तुर्गुत का किरदार अदा करने वाले चेंगेज कोस्कोन और एंगन अल्तान का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। अब इंतज़ार है कि कब इस सीरीज पर काम शुरू होगा और वो कौन होगा जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के रोल में नज़र आएगा, और ये भी कि कुरुलुस उस्मान में तुर्गुत की एंट्री कब होगी और इस नए सीजन में किन नई फतुहात को दिखाया जाएगा, और क्या इस तीसरे सीजन में ही उस्मान गाजी एक नई सल्तनत का ऐलान करने वाले हैं। ये जानने के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर में ही कुरुलुस उस्मान के तीसरे सीजन की पहली किस्त नशर होने वाली है।